टेस्टी फुल एंजॉय कर रहा है। हाँ जी, तो फाइनली हम घूमने निकल गए हैं। अभी माइक नहीं लगा रखा है, सेव जो है वो सब छेड़ रही थी, बट दिस इज हाउ द लोकल ट्यूब लुक्स। बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली लंदन वाइफ जा रही है, और सीयू को देखो जी वैगन BMW। ट्वेल्व सेकेंड्स लेटर फाइनली फर्स्ट ग्लिम्स आ गए हैं टावर ब्रिज के। जनरली वाइड एंगल पे कह लेता हूँ, जनरली जिसको हम लोग लंदन ब्रिज समझते हैं वो टावर ब्रिज है, जो हर जगह दिखाया जाता है, ये टावर ब्रिज है। लंदन ब्रिज बहुत ही सिंपल सी ब्रिज है। तो ये है जी टावर ब्रिज। उधर जो पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट सेकेंड। ये लंदन की सबसे ऊंची बिल्डिंग है द शार्ड, ये भी आपको दिखाएंगे पास से। अभी हम श्वेता आ गए क्योंकि थोड़ी सी क्रैंकी हो रखी थी अभी इसी आ, तो अभी हम टावर ब्रिज पूरा वॉक करेंगे। जस्ट लुक एट दिस। श्वेता से हाय। यस, चेक दिस आउट। वो है लंदन की सबसे बड़ी बिल्डिंग द शार्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थेम्स रिवर है एंड जस्ट चेक आउट द स्काईलाइन। ये सीयू है जो रोई रोई कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि थोड़ा सा क्रैंकी हो रखा है। एंड जस्ट चेक दिस आउट, ये आपको पूरा टावर ब्रिज दिख रहा है जिस पे हम वॉक कर रहे हैं। एंड दिस इज अस। वो लंदन जो दिख रहा है ना, दैट इज लंदन ब्रिज। वो एक बहुत सिंपल सा ब्रिज है, जैसे अपने नदी के ऊपर होते हैं, पर जो दिस इज टावर ब्रिज। यहाँ पे पीछे टावर भी है, ये इसका आर्किटेक्चर भी थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ पे आसपास जो है वो सेंट्रल लंदन का पुराना वाला एरिया है। तो कैसा लग रहा है मैडम? आई हैव बीन, वाइब्स अच्छी आ रही है, वेदर काफी सही हो रखा है। मतलब हमने जैकेट पहन ली, पहले हम निकले थे हमने जैकेट नहीं पहन रखी थी, ठंडी हवा चल रही थी और बारिश भी आ गई थी, तो हम वापस गए और थोड़ी देर बाद आप जैकेट वैकेट पहन के आए, अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब आप टी शर्ट पहनो तो भी सही है, जैकेट पहनो तो भी सही है, वैसे वाला मौसम है और हवा बहुत तेज चल रही है। आई एम नॉट श्योर, ये बच्चे के साथ घूमने की यही फन है, बट स्टिल वी आर लविंग इट। आप आर्किटेक्चर चेकआउट करो यार। और ये वो टूरिस्टी होप ऑन होप ऑफ बस है, द फेमस डबल डेकर लंदन बसेस। डोडो बेबी, डोडो बेबी, वेयर आर यू? फुल एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, ओ वाओ, सीयू, हाय, सीयू हाय करो, हाय। वोल्टेज में लगे, फुल खुश है वो। दिस इज, इफ यू नीड टू गो इनसाइड टावर ब्रिज, यहाँ से आप जा सकते हो। मैं आपको मैं टिकट भी दिखा देता हूँ। सो बेसिकली टिकट है यहाँ पे £13.40 फॉर एडल्ट, चाइल्ड बिलो 5 आ रहा है फ्री। तो ये हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम आपको यहीं से दिखाते हैं। ये वो शार्ड वाला एरिया है, यहाँ से लिफ्ट ऊपर जाती है
एंड देन सी यू। थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, शायद वो सो जाए। ये नीचे स्पीड बोट्स चल रही हैं। वहां पे एक डिफरेंट टाइप का शिप खड़ा है, वॉरशिप टाइप फील दे रहा है, क्या है पता नहीं। एंड दिस इज द व्यू। अभी जो मेन टिकट है जहां से आप ऊपर जा सकते हो, पीछे दिख रहा है, ऊपर जा सकते हो आप। आप यहां से आगे आ जाओगे ना तो यहां पे इतना ट्रैफिक नहीं है लोगों का, तो हम यहां आराम से व्यूज को एंजॉय कर पा रहे हैं। और सिमिलर टावर ब्रिज भी ना, बेसिकली दो टावर हैं, एक पीछे दिख रहा है जहां पर ज्यादा भीड़ है, और एक अब दिख रहा है यहां पे कोई लोग नहीं आ रहे हैं। आप आराम से बैकग्राउंड में क्लियरली आप फोटो खींच सकते हो। तो ये वाला जो था ये हमें काफ़ी बेटर लगा। तो हम यहाँ से उधर शार्ट भी दिख रहा है, वो यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो वहाँ पे दिख रहा है। एंड दिस इज़ द टावर ब्रिज। और सिया अभी थोड़ी सी शांत हो गई है तो हम लोग कुछ कुछ कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। लंदन ब्रिज, और वो मुझे मेरे सामने दिखाई दे रहा है, लंदन की मोस्ट फेमस अट्रैक्शन। और सिया हमारी सो चुकी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रही थी, तो उसको कुछ खिला के सुला दिया गया है, तो इसलिए अब हम शांति से एंजॉय कर पा रहे हैं। शाम का टाइम हो गया है, वेदर भी काफ़ी सही लग रहा है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सामने इतना अच्छा व्यू, और यहाँ पे हम दोनों एक साथ, हमारा छोटा सा बेबी हमारे साथ, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप हम तीनों की, ये बहुत मज़ा आ रहा है। वाइब्स अच्छी है, नहीं वाइब्स अच्छी है। टर्न करके आपको व्यूज दिखाता हूँ, जस्ट चेक दिस आउट। यहाँ पे टावर ब्रिज, वहाँ पे बिल्डिंग्स, ये किसको क्वींस वॉक बोलते हैं, ये काफ़ी ही सही एरिया है। जस्ट चेक दिस आउट। अभी हम आराम से चिल कर रहे हैं, अगले 15-20 मिनट कुछ भी नहीं करेंगे, चिल करेंगे, आसपास का वेदर एंजॉय करेंगे, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, ऊपर एकदम काले बादल आ रखे हैं देखो। तो अभी 4:15 हुआ है, हमारे पास 3-4 घंटे हैं अंधेरा होने से पहले, और उसके बाद भी जब थोड़ा सा अंधेरा होता है ना, यहाँ लाइट्स ऑन हो जाती हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड यहाँ पे व्हाट आई ऑब्जर्व कि लोग ना बहुत छोटे बेबीज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख के कि सिर्फ हम नहीं हैं, और बच्चे तो देखो क्रैंकी होते ही होते हैं, ठीक है, ये तो पेरेंट्स का काम है ना उन्हें संभालना। सिया देखेगी बड़े हो गए तो कहेगी मम्मा तो मेरे फुल सपोर्ट में थी। मम्मा ही होती, अरे संभाल लो यार इसको। एनीवेज वी आर लविंग इट यार, उसका भी एक्सपीरियंस पहला है, मतलब उसके लिए सब कुछ नया है, और ऊपर से ये वाली बात भी है ना यार, वो सिर्फ 1.5 साल की है, मतलब कैन यू इमेजिन कि उसको दुनिया में आए, उसके लिए सब कुछ एकदम नया एक्सपीरियंस है, बट स्टिल शी इज़ कोपिंग अप रियली रियली वेल, मतलब वो बहुत सपोर्ट कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे अच्छे पोजेस देती है और बहुत हैप्पी रहती है नेचुरल चीज़ों को देख के, उसको बस ये लगता है मम्मा शूज़ एंड डोर, मतलब मुझे बाहर ले चलो, बस शूज़ पहना के बाहर ले चलो। हाँ उसको एक अभी थोड़ा सा ये है कि उसको ना वॉक करने का बहुत है कि मैं इधर भागूँ इधर भागूँ तो गिर भी जाती है, कल भी उसकी नी स्क्रैप हो गई थी, बट स्टिल अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको पकड़ के रखना पड़ता है। तो और बच्चों में इतनी एनर्जी होती है कि आपको उनसे 3 गुना एनर्जी है उनको पकड़े रखने के लिए, और हमें वो होती नहीं है क्योंकि और बहुत सारी चीज़ों में हमारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, बट स्टिल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वी आर लविंग इट। और बच्चे के साथ ट्रैवल करना एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो अकेले ट्रैवल करते हैं उनसे। सिया को सुलाने के बाद बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम मिला ना बेबी से अलग। यहाँ पर शिप्स चल रही हैं, वाइब्स अच्छी है, ठंडक है, एटमोसफियर काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड मैंने फर्स्ट टाइम देखा लंदन ब्रिज, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नमस्ते लंदन वाली वो आ रही है मूवी याद आ रही है मुझे। सो फाइनली हम रिलैक्स होके वॉक कर पा रहे हैं, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हाँ मैं लंदन में पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि लंदन मेरा एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है हमेशा से, जब से मैंने उसको देखा है नमस्ते लंदन मूवी में, K3 कभी खुशी कभी गम में, DDLJ में, तो मुझे काफ़ी टाइम से ये था कि मेरे को जाना है यार, मेरे को जाना है, मैं कब जाऊँगी। और अब सिया हमें लेकर आई है सच में, नहीं तो शादी के बाद हमने बहुत प्लान बनाए हैं, बहुत ज़्यादा प्लान बनाए, बट स्टिल पॉसिबल नहीं हो पाए, चाहे रीज़न कुछ भी रहे हो,
बट सिया देखो 18 मंथ्स की एज में ही हमें खुद भी और हमें भी घुमा रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत लकी रही है वो मेरे लिए वैसे। अब ये अच्छा लग रहा है और पीछे लंदन में जा रहा है। हाँ, पीछे लंदन में जा रहा है। इसलिए मुझे ये वाला शॉट ज्यादा अच्छा लग रहा है, बनाते हुए ना चिल कर रहे हैं। अभी घर पे कॉल किया था, वही बोल रहे हैं कि हम तो पता नहीं कब आएंगे। हाँ हाँ, वाइड एंगल पे हम तो पता नहीं कब आएंगे, पर आप अच्छे से वीडियोस बनाना, हम आपकी वीडियोस में देखेंगे। तो पेरेंट्स की जब ऐसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वीडियोस में देखेंगे, तो आपको और जोर लगाना पड़ता है। तो हम जो भी फील कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, एकदम रॉ फॉर्म में। वाइब्स अच्छी है, व्यूज अच्छे हैं, क्योंकि हम जब पहले निकले थे जब इतना नहीं था दिन में, बट अभी इतना क्लाउडी हो गया ना, तो अभी ठंडा हो गया है, तो हमने जैकेट पहन रखी है। लोकल्स शॉर्ट्स में भी घूम रहे हैं, पर फॉर अस। और ये यहाँ से शार्ड का व्यू आ गया है, ये सबसे लंबी बिल्डिंग है। और यहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट कुछ हुआ है, मैच चल रहा है। अच्छा, या ओलंपिक के हैं। यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है। हाँ हाँ, ये ओलंपिक का लाइव हो रहा है। यहाँ पे लाइव स्क्रीनिंग चल रही है, तो काफी लोग हैं यहाँ पे, एंड काफी अच्छा वाइब हो रखी है यार यहाँ पे। जस्ट चेक दिस प्लेस आउट। हम लोग लंदन ब्रिज से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। यहाँ पे आई गेस ऑफिस एरियाज है, ये मतलब लंदन की प्राइम लोकेशन कह सकते हैं इसको। फेज वन है ये, थेम्स रिवर के एकदम साइड में। बहुत ही अच्छी वाइब्स, बहुत ही अच्छी लोकेशन, बहुत ही अच्छा वेदर, अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। सी हमारा फुल साथ दे रहा है पूरे उसमें, एंड पीछे की लोकेशन इतनी अमेजिंग आ रही है। मैंने यहाँ पे फोटोज क्लिक कराए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रिवर क्रूज वाली बोट्स वोट्स चल रही हैं, यहाँ वॉरशिप है। ये पीछे का पूरा काइंड ऑफ ऑफिस स्पेस है, एंड दोज बिल्डिंग्स लुक अमेजिंग। हमने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे हैं जो आप देख पाएंगे पाइकर बीवी के इंस्टाग्राम पे। ये तो अभी ऑलरेडी 6:30 हो गए। इज ऑन ट्रैक नाउ, बेबी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है इसलिए। बेबी मस्त हो रहा है, टच वुड। तो अभी बेबी को बहुत घुमाने वाले हैं हम लोग, बहुत। अरे चश्मा तो लगा लेती हूँ यार, आईज ऐसे पफी आईज आ रही होंगी है ना। आपने भी नहीं लगा रखा था, अंधेरा हो गया ना। बट स्टिल लुक थोड़ी फ्रेश फ्रेश लगती है ना। एक्चुअली ऑलरेडी 6:30 के आसपास हो गया है ना, तो इस चक्कर में थोड़ा अंधेरा हो गया है, पर चश्मे के साथ लुक बढ़िया आती है। अब हम एक महीने तक लंदन में ही है, हमने पूरा एक महीना बुक करवा रखा है, एंड बारिश आनी शुरू हो गई है। तो चलिए जी, हम जल्दी से भागते हैं। हाँ, ट्रेन नहीं दिखाई थी हमने, ट्यूब कहते हैं जिसको, यहाँ पर हमने आते टाइम थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी तो इसलिए हमने नहीं दिखाया। अब जाते टाइम वो सो रही है तो आराम से हम दिखा सकेंगे आपको। यस, तो चलिए जी, ऊपर मौसम आप देख पा रहे होंगे, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी यहाँ से जाने का, पर बारिश आ गई है और घर यहाँ से काफी दूर है। सो वी हैव यहाँ पे आइसक्रीम्स, मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ ईटरीज भी हैं, कॉफी, आइसक्रीम, बियर एंड ऑल। यहाँ पर मुझे ये वाली चीज बहुत अच्छी लग रही है कि एक तो छोटे बच्चे के साथ तो घूम ही रहे हैं लोग, मतलब ओल्ड एज के लोग भी ऐसे कपल्स में ना इतना प्यार देखने के लिए मिल रहा है, और बहुत ज्यादा मतलब स्मार्ट बन के वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं अपना। ऐसा कुछ नहीं है कि एज है ज़्यादा है तो अपना घर में बैठो, वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। एंड फिटनेस के मामले में तो बहुत ही अमेजिंग, एंड ओल्ड एज फीमेल्स भी बहुत स्टाइलिश नज़र आ रही है मुझे देख के ना, अच्छी वाइब्स आ रही है। तो उससे क्या लगता है कि तुम्हें भी गुड लुकिंग होने में फ़र्क पड़ता है ना, फिर क्राउड देख के। अच्छे लोगों को देखोगे तो अच्छा अच्छा बनने का मन करेगा, है कि नहीं, फिट फिट रहने का मन करेगा। यस, तो बस अब घर जाके एक महीने बाद लग जाना है जिम में। अच्छा लग रहा है बहुत। अभी शाम हो गई ना, तो भीड़ काफी बढ़ गई है, बढ़िया बढ़िया क्राउड भी आ गया है। ये बताओ, हाँ बीच बीच में बढ़िया क्राउड दिख जाता है, एंजॉय कर लेते हैं हम बढ़िया क्राउड। चलिए जी, बैटरी कम, अमन के मजे ले रही हूँ मैं तो यहाँ पे। अमन कह रहे हैं अरे यार मुझे तो ऐसे पेट कम करके आना चाहिए था यहाँ पे तो ऐसे। कोई नहीं, अभी हम बेबी के साथ आए हैं। आ चुके हो ना पहले भी अकेले, अब फैमिली के साथ आए हो, फैमिली के साथ रहो, है कि नहीं। यस यस, और यहाँ पे वो कितनी हो रही है,
पुलिस पुलिस की कार्स यार इतनी मस्त मस्त पुलिस कार्स हैं यहाँ पे, और इतनी मतलब स्मार्ट स्मार्ट सी है पुलिस भी ना। एक्चुअली अभी वो हम जिस टाइम पे आए हैं कुछ राइड्स वाइड्स हो रखे हैं ना, तो उस चक्कर में थोड़ा पुलिस का ज्यादा हो रखा है। हाँ। तो वो भी उसमें भी बार बार सायरन सुनने को आ रहे हैं क्योंकि वो पेट्रोल कर रहे हैं सारे एरियाज में, पुलिस काफी ज्यादा है। चलो नेगेटिव चीजें तो मत ही बताओ, बाकी हाँ यहाँ पे जहाँ पे हम हैं ना पर सेफ है, तो ऐसा बिल्कुल सेफ है, कोई कुछ भी नहीं। जो राइड्स है उसके चक्कर में पुलिस इतनी डिप्लॉय है कि दे आर कीपिंग सिटी सेफ, तो लंदन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल आराम से घूम सकते हैं। पेरेंट्स थोड़े वरीड थे पर सब मस्त है यहाँ पे, वी आर एंजॉयिंग। व्यूज दिखा दो यार, बहुत जस्ट चेक आउट लास्ट व्यूज ऑफ लंदन ब्रिज मैडम, एंड सी यू बेटा। यू कैन सी कि अभी जो ब्रिज है वो ओपन हो रखा है, प्रॉब्ली कोई शिप क्रॉस करेगा, उसका शॉट आपको दिखाते हैं। वहाँ से एक शिप आ रहा है, देयर प्रॉब्ली वो क्रॉस करेगा। तो फाइनली बड़े वाला शिप आ गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ब्रिज खुला हुआ है, अब वो पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है, अब ये वाला शिप यहाँ से क्रॉस करेगा। अभी मैंने माइक नहीं लगा रखा है, थोड़ा सा आवाज़ कम आ रही होगी, बट दिस वॉज वर्थ द शॉट। जय इंडियन फ्लैग्स, इंडियन फ्लैग्स दिख रहे हैं। मॉर्निंग सी यू, गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा लंदन ब्रिज के सामने नींद पूरी करने के बाद लंदन ब्रिज के सामने गुड मॉर्निंग कर दो एक बार। क्या बढ़िया नैप लिया हमने, और यहाँ पे हम बनाना चिप्स खाते हुए। सी यू, गुड मॉर्निंग, बाय। अब मेरा बेटा हैप्पी है, क्लैपिंग। सी यू, सुना दो, लंदन ब्रिज इज गोइंग डाउन। अरे अभी सो के उठा है मेरा बेटा, बहुत क्यूट है मेरी प्रिंसेस, बहुत क्यूट है ना। कमिंग, बोलो नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन, बोल तो रही है, वो आवाज नहीं आ रही। ये डिश मम पिला दे आपको, सो के उठा है ना मेरा बेटा, लो मम पी लो, पिजन। सी अब पिजन्स बोल रही है, अरे बाय कर दो, बाय पिजन्स, हाय पिजन। सी को देखो कितना कंसंट्रेशन से देख रही है, सी के फ्रेंड्स होते हैं ना पिजन, यमी है, यमी। सी आप बड़े होके देखोगे, देखो सी आप बड़े होके देखोगे ना, इतना अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है आपके। सी देखो, इधर सन भी आ गया, सीओ हाय करो। सो वेरी गुड, आज की हमारी ट्रिप वापस कंप्लीट हो रही है। ये हमारा मेट्रो स्टेशन है जहां से हम वापस ट्रेन लेंगे। सो ओवरऑल जीवन का एक क्विक टूर कंप्लीट हो गया है, अब ये हम स्लो स्लो घूमेंगे। सीओ जस्ट 2 मिनट्स मोर, अच्छा चलो। सो फाइनली वो आ गए हमारी बिल्डिंग, हम वापस घर आ गए हैं। ये वाले हम रोप पे आपको बार बार विंडोज दिखाते रहते हैं, फाइनली घर पहुंच गए हैं। चलिए घर चलते हैं, अच्छा चाय पीते हैं। A few moments later. Oh, wow, 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 wow. With the view.
एक नंबर आ रहा है भाई लंदन में।